ऊना से, जहां पर बंजार हादसे के बाद अब अधिकारी जाग चुके हैं। नियम तोड़ने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। दो दिन में पुलिस ने कई बसें जब्त की हैं, 6 सरकारी और निजी बसें जब्त पुलिस की ओर से की गई। दर्जनों बसों के चालान भी इस दौरान किए गए। आपको बता दें कि बंजार में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब ऊना प्रशासन भी जाग चुका है और बसों की चेकिंग की जा रही है। क्योंकि अगर बंजार हादसे की बात की जाए तो बस ओवरलोडेड थी और इसीलिए ऊना में दौड़ने वाली बसों की भी चेकिंग की जा रही है। अगर ओवरलोडेड बस है या फिर नियमों के खिलाफ कुछ पाया जा रहा है तो तुरंत कार्रवाई की जा रही है। अमित शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। अमित शर्मा, जानना चाहेंगे आपसे, प्रशासन अब जाग चुका है बंजार हादसे के बाद, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक प्रशासन की ओर से की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से पिछले कुछ समय से बसों के हादसे जो है वो बढ़े हैं, उसको लेकर ऊना प्रशासन ने जो है पुलिस ने यहाँ पर एक मुहिम शुरू की है कि जो बसेज ओवरलोडिंग यहाँ पर कर रही हैं और जो बिना फिटनेस के सड़क पर दौड़ रही बसें हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई शुरू की गई है। और दो दिनों में जो है वो 6 बसें जो है वो जब्त की गई है। वहीं आपको बता दूं कि दर्जनों चालान करके हजारों रुपए जुर्माना जो है यहाँ पर वसूला गया है। और जिला ऊना में अमित शर्मा, रुकना चाहूंगी आपको, हमारे साथ विनोद धीमान जुड़ चुके हैं, एसपी, आपका स्वागत करते हैं। विनोद जी, खबरें अभी तक पर, बंजार में जो हादसा हुआ वो बेहद दुखद था और उसके बाद प्रशासन अब हरकत में आता नजर आ रहा है, क्या कुछ कार्रवाई आपकी ओर से की जा रही है? जिला पुलिस ऊना जो है वो इस मामले में पहले से गंभीर है और पुलिस ने पिछले दो दिनों में काफी सारी गाड़ियों को चेक किया है, ओवरलोडिंग में पुलिस ने चालान किए हैं, चाहे वो प्राइवेट बसेज हैं, चाहे वो एचआरटीसी की बसेज हैं या किसी और राज्य की बसेज हैं। पिछले दो दिनों में पुलिस ने तकरीबन 6 गाड़ियों को जब्त किया है और बहुत सारे चालान जो है पुलिस ने ओवरलोडिंग में ऑफेंस में किए हैं। तो पुलिस, जिला पुलिस ऊना जो है वो काफी गंभीर है और हम पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरह की कोई जान और माल का नुकसान ना हो पाए। जी, सिर्फ बसों को लेकर ही यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, किसी भी जान या माल का नुकसान ना हो, या फिर बाकी जो वाहन चालक हैं, जैसे दोपहिया वाहन हो गए या फिर गाड़ी चालक हो गए, उनके लिए भी नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जा रही है? देखिए, रूल्स तो सभी के लिए बराबर है, लेकिन ओवरलोडिंग क्योंकि ज्यादातर बसेज में और प्राइवेट टैक्सीज हैं या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, उसमें बहुत सारे पैसेंजर जो है वो कैपेसिटी से ज्यादा बिठाए जाते हैं, तो उसका हमेशा ही खतरा रहता है क्योंकि हिमाचल के रोड जो है वो इस तरह का मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। तो हमारा फोकस ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे है, बाकी गाड़ियों को भी हम चलान करेंगे एज पर मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार। जी, कितने वाहन अभी ऐसे हैं जिनका चलान किया जा चुका है या फिर जो नियमों पर ताक, जो नियमों की ताक पर सवारी यात्रियों को करवा रहे थे? देखिए, अभी तक हमने 6 गाड़ियों को तो हमने जब्त किया है, जो कि अलग अलग, एक हरियाणा राज्य की है, कुछ हिमाचल की है। इसके अलावा जो ओवरलोडिंग चाहे स्कूल बसेज हैं, पुलिस उसमें निरंतर कार्रवाई कर रही है और अभी तक हमने काफी सारी गाड़ियों का चलान, नंबर फिगर मैं आपको एग्जैक्ट बता नहीं सकता, आज ही हमने कम से कम 20 गाड़ियों के चलान किए हैं ओवरलोडिंग में ही। जी, शुक्रिया विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े और अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जो कार्रवाई की जा रही है पुलिस की ओर से, उसका कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? तो शायद हमारा संपर्क अमित से कट चुका है। तो आपको बता दें कि बंजार में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जब एक ओवरलोडेड बस गहरी खाई में गिर जाती है और कई लोगों की मौत हो जाती है।